गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम काफ़ी दिनों के बाद एक और नई वीडियो लेकर आ रहे हैं, वो हमारा साइन कन्वर्जन की। इसमें साइन कन्वर्जन में बच्चों को काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। जैसे मान लो बच्चों को ये तो पता है कि हमारे पास इसमें जैसे 25 में हम 5 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर 30 आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन तो पता है। लेकिन अगर हम इनके साइन थोड़े बहुत चेंज कर देते तो उसमें वो कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि कौन से में से क्या माइनस होगा, आंसर जो होगा प्लस में आएगा माइनस में आएगा। तो ये दिक्कत होती है बहुत ज़्यादा बच्चों को। ये दिक्कत मैंने देखा कि छोटे बच्चों को ही नहीं, बड़े बच्चों को भी इसमें ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। तो उसके लिए हम एक वीडियो लेकर आए हैं साइन कन्वर्जन की। उसमें आपको सारे के सारे साइन कन्वर्ट करने सिखाएंगे। जैसे सबसे पहले तो हम ले लेते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में। तो स्टार्ट करते हैं हम। इसमें बोल रखा है इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के क्वेश्चन करेंगे स्टार्टिंग में, एडिशन और सब्ट्रैक्शन के बाद में करेंगे। तो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के सेम रूल हैं एंड सब्ट्रैक्शन और एडिशन के सेम रूल हैं। तो पहले ये वाले करते हैं। तो इसमें आपको एक चीज याद रखनी है, इन केस ऑफ मल्टीप्लीकेशन एंड डिवीजन इफ सॉरी सेम साइन गिव्स प्लस, यानी जो अगर हमारे पास दो नंबर दे रखे हैं उनका साइन सेम है। फॉर एग्जाम्पल हमने ले लिया, दोनों प्लस में भी हो सकते हैं, 5 मल्टीप्लाई 4 करते तो आंसर हमारा आएगा 20, क्योंकि ये नंबर भी पॉजिटिव में है, ये नंबर भी पॉजिटिव में है, तो हमारा क्या आ गया 20। तो मैंने लिखा था ना सेम साइन गिव्स प्लस। अगर मान लो बाय चांस हमारे पास दोनों ही नेगेटिव में हो जाए तो ये भी तो साइन सेम ही है, नेगेटिव एंड नेगेटिव, वो भी आंसर हमारे पास क्या आएगा 20, क्योंकि मैंने पहले बता दिया था सेम साइन, नेगेटिव नेगेटिव भी आंसर पॉजिटिव आएगा और पॉजिटिव पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में ही आना हमारा। तो इस टाइप के क्वेश्चन हम करेंगे। तो पहले मैं आपको जनरल से रूल बता देता हूँ, उनको नोट कर लेना। देखो सबसे पहले हमारे पास है पॉजिटिव में, अगर हमारे पास दोनों नंबर होंगे तो आंसर आएगा पॉजिटिव, सेम साइन गिव्स प्लस एंड डिफरेंट साइन गिव्स माइनस, यानी हमारे पास दोनों नंबर प्लस में है तो भी प्लस में आंसर आएगा, दोनों नंबर नेगेटिव में है तो भी आंसर प्लस में ही आएगा। और नेक्स्ट हमारे पास अगर मेरे पास एक पहला नंबर पॉजिटिव में है दूसरा नेगेटिव में है तो भी आंसर नेगेटिव में, क्योंकि मैंने बताया था डिफरेंट साइन गिव्स नेगेटिव, और पहला नेगेटिव में हो दूसरा पॉजिटिव में हो तो हमारे पास आंसर क्या आएगा नेगेटिव में। तो आपको डिवीजन और मल्टीप्लीकेशन में किसी भी टाइप के क्वेश्चन आ जाए आपको सिर्फ ये चार रूल याद करने हैं, ठीक है। मेन तो आपके पास दो ही रूल है, सेम साइन गिव्स प्लस एंड डिफरेंट साइन गिव्स माइनस, तो आपको ये चीजें याद रखनी है। तो चलिए इनके कुछ एग्जांपल ट्राई करते हैं हम, जिससे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। एक बार आप नोट करना चाहो तो वीडियो को पॉज करके ये वाली चीजें नोट कर लिए। तो चलिए हम क्वेश्चन पर चलते हैं। हम देखो इसमें हमने ले लिया -5 × -4, ये हो गया, और इस पूरे की मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं 3 के साथ। सेम चीजें वही हैं, आपको ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत, पहले हम दो वाले ही एग्जांपल लेकर करते हैं। ये देखिए जैसे मैंने पहला एग्जांपल दिया था, सेम साइन है नेगेटिव नेगेटिव तो आंसर तो पॉजिटिव में आ जाएगा, और 5 × 4 = 20, ये आंसर होगा। और एग्जाम्पल ले लो रैंडमली, जैसे मान लो मैंने ले लिया -4 × 3, तो 4 × 3 = 12 होता ही आपको पता है, लेकिन मैंने क्या बताया था डिफरेंट साइन, ये प्लस में है और ये माइनस में, तो आंसर क्या आ जाएगा नेगेटिव में, ये होगा 12। ये हमारे पास प्लस में, और ले लो दोनों नेगेटिव में ले लिया -2 और -1, तो 2 × 2 और माइनस माइनस, ये भी हमारा क्या हो जाएगा प्लस में, तो ये भी आंसर क्या आएगा प्लस में आएगा। नेगेटिव में जैसे ये पहला नेगेटिव लिया था ये पॉजिटिव लिया था, अब की बार इंटरचेंज करते हैं इनको, 4 हम ले लेते हैं पॉजिटिव में और 3 को कर देते हैं नेगेटिव में, लेकिन कंडीशन क्या है डिफरेंट साइन गिव्स नेगेटिव, पहला पॉजिटिव हो दूसरा नेगेटिव है इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपका, लेकिन आंसर एक पॉजिटिव में है एक नेगेटिव में, तो आपका आंसर किस में आएगा नेगेटिव में, और वो भी क्या हो जाएगा 4 × 3 = 12 नेगेटिव का। तो ये आपके बिल्कुल सिंपल से क्वेश्चन है, लेकिन बच्चे इस चीज में काफी ज्यादा कंफ्यूजन में रहते हैं, तो ये आपके डाउट आज क्लियर कर देंगे हम। तो ये तो था आपका मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन में, सेम साइन गिव्स प्लस एंड डिफरेंट साइन गिव्स माइनस, बस आपको ये रूल याद रखना है। इसके बाद हम चलते हैं एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में। तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में एक चीज देखना, इन एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, तो इस क्वेश्चन में आपको एक चीज याद रखनी है बस, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बिल्कुल नॉर्मल एग्जांपल देकर बताऊंगा जो आप डेली लाइफ में यूज करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने मान लिया कि पहले एक क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे मान लो मैंने बोल दिया 2 + −3 + 6 + + 8, इस टाइप से ये क्वेश्चन दे दिया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास देखो एडिशन और सब्ट्रैक्शन के क्वेश्चन कर रहे हैं हम, लेकिन हमने जस्ट पहले जो किया था मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन वाले क्वेश्चन, वो रूल भी इंक्लूड हो जाएंगे इसमें। देखो ये 2 है, कोई भी साइन आगे नहीं है, इसका मतलब ये क्या हो जाएगा प्लस का 2 है। अब मैंने आपको अभी बताया था सेम साइन गिव्स प्लस एंड डिफरेंट साइन गिव्स माइनस, तो आपको दिख रहा है ये प्लस का है और ये माइनस का है,
मीन्स डिफरेंट डिफरेंट साइन हो गए, तो प्लस एंड माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, ये हमारे पास 3, यानी पहले मैं साइन को कन्वर्ट कर रहा हूँ। नेक्स्ट है ये प्लस का साइन अकेला, तो प्लस 6 आ जाएगा एज इट इज, एंड प्लस ये है तो प्लस प्लस क्या हो जाएगा, ये भी प्लस 8। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो थी हमारे पास स्टार्टिंग में, वो हमने बिल्कुल सिंपल फॉर्म में ले आए। अब इसके बाद आपको काफी ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है, उसमें क्या करना है, देखो इस टाइप से सोल्व होने के बाद जब हमारे पास दो साइन थे वो भी सिंगल साइन बन चुका है, डबल साइन था वो भी सिंगल में कन्वर्ट हो चुका है, इतना होने के बाद आपको सेम साइन के एक साथ कर लो और डिफरेंट डिफरेंट साइन के अलग, जैसे मींस नेगेटिव और पॉजिटिव दो साइन है तो पॉजिटिव वाले एक साथ और नेगेटिव वाले एक साथ, जैसे ये हमारे पास 2 पॉजिटिव का ये लिख दिया, और पॉजिटिव का 6 है वो भी इसके साथ कर दिया, 8 है वो भी साथ में कर दिया, डिफरेंट क्या है नेगेटिव का, ये अकेला है तो अकेला रख दो इसके साथ, मान लो कोई और होता तो वो भी नेगेटिव का लगाकर इसके साथ रख देते। तो अब देखो पॉजिटिव पॉजिटिव एक साथ प्लस हो जाएंगे, 8 एंड 6 14, 14 प्लस 2 16, एंड नेगेटिव क्या है 3। तो अब हम सॉल्व कर सकते हैं, 16 में से 3 माइनस करूंगा तो मेरा आंसर कितना आएगा 13, ये हमारा आंसर होगा। लेकिन आपको एक चीज देखनी है, जब हमारे पास नेगेटिव की टर्म भी ज्यादा हो जाए पॉजिटिव की टर्म भी ज्यादा हो, उस टाइप के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो और करेंगे हम। तो ये आप क्वेश्चन एक बार देख लीजिए कैसे किया है, ये दे रखा हमें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, जिसमें हम आपके नेगेटिव के भी 2 या 3 टर्म लेंगे, उसमें मैं आपको एक एग्जांपल देकर बताऊंगा, उससे और अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। जैसे हमने ले लिया -15 प्लस माइनस 3 माइनस माइनस 8 एंड माइनस प्लस 4, इस टाइप से हमने ये वाला नंबर ले लिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो सेम सिंगल साइन है तो इसमें -15 ये रहा हमारे पास। अब देखो फिर से दो साइन आ गए, प्लस माइनस क्या होता हमारे पास, माइनस, डिफरेंट साइन गिव्स नेगेटिव, ये होगा नेगेटिव एंड 3, नेगेटिव नेगेटिव ये हमारे पास सेम साइन हो गए तो सेम साइन गिव्स प्लस, तो ये हो जाएगा हमारे पास प्लस 8, एंड नेगेटिव पॉजिटिव फिर से नेगेटिव, ये होगा प्लस का, सॉरी नेगेटिव प्लस पॉजिटिव नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब देखो -15 प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 8 एंड प्लस माइनस प्लस माइनस 4। अब देखो मैंने आपको ये बोला था कि जब हमारे पास प्लस वाली टर्म है वो एक साथ कर लो, माइनस वाली है वो एक साथ कर लो, तो चलो करते हैं, -15 माइनस 3 एंड माइनस 4 ये एक साथ कर दिए हमने, ये क्या है प्लस का 8, ओके सेम साइन हो गए। अब एक चीज देखना कि जो हमारे पास नेगेटिव की जो टर्म है वो एक साथ प्लस करेंगे हम, अब मैं ये बोल रहा हूँ नेगेटिव की जो टर्म है उनको हम प्लस करेंगे, क्यों करेंगे प्लस, ये है तो नेगेटिव में, तो इसका रीजन सुनो, मान लो आप गए दुकान पर, आप 10 रुपए लेकर गए, आपने 2 रुपए की एक चॉकलेट ले ली, यानी वो आपके पास से चले गए 2 रुपए, फिर आपने क्या किया 5 रुपए का एक पेन ले लिया, ये भी आपके पास से चला गया, मीन्स नेगेटिव हो रहा है। अब मैं बोलूँ आपके पास कितने रुपए बचे हैं, तो आप क्या करोगे, आप ये देखोगे 2 रुपीज मैंने वहां खर्च किए और 5 रुपीज वहां खर्च किए, तो 2 + 5 = 7 ही तो खर्च किया आपने टोटल, वो खर्च तो हो रहे हैं लेकिन आपने उनको क्या किया प्लस किया है ना, तो सेम वैसे ही ये नेगेटिव की चीजें हमारे पास से जा तो रही है लेकिन हम उनको प्लस करेंगे, लेकिन साइन नेगेटिव का ही रखेंगे इसमें, क्योंकि जो खर्चा हो रहा है जो हम खर्च कर रहे हैं वो तो खर्च में इंक्लूड होगा, ओके। तो अब मैं ये बताऊं कि इसमें से मेरे पास कितने रुपए बचेंगे, तो 10 तो मेरे पास स्टार्टिंग में थे, खर्च कितने कर दिए 2 and 5 = 7 rupees, तो 7 खर्च किए हैं तो नेगेटिव में तो रहेगा, तो 10 में से 7 माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा 3, बस ये एग्जांपल याद रखना आपको। तो अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, इसमें क्या हो गया -15 -3 एंड -4, यानी ये हमारा टोटल क्या हो गया खर्चा हो रहा है, इसको एक साथ प्लस करो आप, लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा। अब आप ये बोलोगे कि मैंने पीछे बताया था सेम साइन गिव्स प्लस एंड डिफरेंट साइन गिव्स माइनस, मैंने पहले लिखा था वो सिर्फ और सिर्फ मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन के केस में होता है, एडिशन और सबट्रैक्शन के रूल अलग हैं। तो इसमें क्या हो जाएगा 15, यानी 15 रुपीज की कोई चीज ली उन्होंने, 3 रुपए की कोई चीज ली और फिर 4 रुपए की, यानी टोटल तो खर्चा हो रहा हमारा ये, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारे पास 15 and 3 = 18, 18 + 4 = 22, प्लस तो हो गए लेकिन साइन माइनस का ही रहेगा, एडिशन और सबट्रैक्शन, तो सबको ये चीज याद रखनी है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव वाले एक साथ प्लस हो रहे हैं, पॉजिटिव पॉजिटिव वाले एक साथ प्लस होंगे लेकिन साइन उनके सामने वही रखेंगे जो आपस में प्लस होकर आ रहे हैं, और ये हो गया हमारे पास 8 प्लस का, क्योंकि एक ही चीज थी हमारे पास। अब देखो 22 नेगेटिव है और 8 प्लस में है, तो हमारे पास एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में है, इतना खर्चा हो रहा है, इतने हमारे पास रुपए पहले से ही थे, तो कितने बचे या फिर कितने लगे यही तो चीज निकलेगी। अब मेरे को पता है कि 22 माइनस का है 8 प्लस का है, तो आपको इस टाइम पर ये नहीं देखना कौन सा क्या है, बस आप बड़े वाले नंबर में से छोटे वाला माइनस करो, 22 में से 8 माइनस करोगे कितना आ जाएगा 14, लेकिन लास्ट में आंसर लिखते टाइम आपको एक चीज याद रखनी है, बड़े वाले नंबर के सामने जो साइन था ना आंसर आपका
उसी साइन में आएगा माइनस 14। ये आपका आंसर हो गया। तो मेरे ख्याल से आपको ये जो दो एग्जांपल करवाए मैंने आपको, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के दो क्वेश्चन और एडिशन सब्ट्रैक्शन के दो क्वेश्चन, ये करवाने के बाद मैं आपको एक क्वेश्चन और करवाता हूँ जिसमें हमारे पास क्या है, काफी सारे नंबर दे रहा हूं मैं प्लस माइनस। इसमें हमारे पास है माइनस 5 ले लिया स्टार्टिंग में, प्लस माइनस 8 ले लिया, प्लस प्लस 3 ले लिया, माइनस माइनस 4 ले लिया, माइनस 6 ले लिया, प्लस 8, प्लस माइनस 4, माइनस माइनस 2 एंड प्लस 6। इस टाइप से इतना बड़ा नंबर ले लिया हमने। तो आपको इतना बड़ा नंबर देखकर कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है, ओके। सेम आपको सिंगल नंबर देखकर चलना है जिससे आपको क्या हो जाए, एक एक नंबर को कन्वर्ट करते चलोगे तो बिल्कुल इजी है, लेकिन पूरे क्वेश्चन को एक साथ देखोगे कितनी बड़ी स्टेटमेंट है तो क्वेश्चन गलत होगा आपका। एक एक करके चलो, सेम सिंगल साइन माइनस 5, प्लस माइनस माइनस क्योंकि डिफरेंट साइन गिव्स नेगेटिव, 8 एज इट इज, प्लस प्लस सेम साइन गिव्स प्लस, सेम साइन प्लस डिफरेंट साइन यानी सिंगल साइन है तो 6 एज इट इज, प्लस प्लस माइनस 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 प्लस एंड प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या ले आए हम, डबल साइन या जो सिंगल साइन थे उनको चेंज करके सिंगल एक साइन में ले आए हैं। देखो कितना इजी हो गया। और अगर मैं पहले देखता कि इसमें तो 8-10 नंबर दे रखे हैं तो क्वेश्चन तो बहुत हार्ड होता, लेकिन ये कितना इजी हो गया। अब देखो, अब नेक्स्ट स्टेप मैंने जो बताया था वही, नेगेटिव वाले एक साथ लिख लो, माइनस 5, माइनस 8, माइनस 6, माइनस 4, बस ये हमारे पास नेगेटिव के हैं। अब इसके साथ प्लस वाले जो हो, प्लस 3, प्लस 4, प्लस 8, प्लस 2 एंड प्लस 6। तो ये हमारे पास क्या हो गए, सारे नंबर नंबर वही हैं लेकिन हमने अरेंज कर दिए विद देयर साइन। तो अब मैंने क्या बताया था, नेगेटिव वाले एक साथ प्लस कर लो, 5 एंड 8 13, 13 6 19, 19 4 23, लेकिन साइन नेगेटिव का ही। प्लस वाले एक साथ प्लस करो, 4 3 7, 7 एंड 8 15, 15 2 17 एंड 17 6 23। तो 23 हमारे पास प्लस का आ गया, 23 ही माइनस का है। तो जितने रुपए आपके पास थे उतने आपने खर्च कर दिए, आंसर क्या बचेगा, एक प्लस में उतना ही नंबर है और माइनस में उतना नंबर है, आंसर आपका क्या जाएगा, जीरो। मान लो बाई चांस यहाँ पर आपका आंसर 22 आता, तो 23 माइनस का था, 22 प्लस का, तो बड़े वाले में छोटे वाला माइनस करेंगे तो आंसर तो 1 आएगा, लेकिन बड़े वाले के सामने साइन क्या था, नेगेटिव है, तो आपका आंसर माइनस 1 होता। और बाई चांस यहाँ पर 22 आता तो नेगेटिव वाला छोटा है, पॉजिटिव वाला बड़ा, तो आंसर पॉजिटिव में होता। तो ये आपका क्वेश्चन, ये देखो इतना बड़ा क्वेश्चन भी कितनी देर में सोल्व हो गया, मिनिमम मैक्सिमम इसमें कितने 15 सेकंड लगेंगे सॉल्व करने में। तो आपको इसी टाइप से क्वेश्चन सॉल्व करना है, एक एक नंबर को लेकर चलते रहो और आप साइन कन्वर्ट करते रहो, ये आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो देखो, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन जब सारे के सारे कंबाइन होकर आते हैं तो भी क्वेश्चन इतने हार्ड नहीं हो सकते, बस आपको थोड़ा सा कंसंट्रेशन के साथ चलना होता है। तो चलिए मैं आपको एक क्वेश्चन होमवर्क के लिए दे देता हूँ, वो आप सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद उसका आंसर आप कमेंट करना, ओके। तो चलिए मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जब मैं इस नंबर के सामने कोई भी साइन नहीं लगा रहा समझ लो प्लस का है, किसी भी नंबर के सामने साइन नहीं है तो प्लस में है, माइनस माइनस 5, प्लस माइनस 8, प्लस 6, माइनस 4, माइनस 3, माइनस माइनस 8, माइनस प्लस 4, प्लस माइनस 3, बस इतना ही। ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, आप इसको सॉल्व करना और सॉल्व करने के बाद आप इसका कमेंट में आंसर देना। अगर किसी का आंसर गलत आ रहा है, किसी को कोई डाउट हो तो वो भी आप कमेंट में डाल देना, हम इसका सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा देंगे आपको, ओके। तो आज की वीडियो में आपके लिए इतना ही, और जैसे जैसे हो सकेगा आपके लिए नई नई वीडियो और नए नए कंसेप्ट के साथ लेकर आते रहेंगे, जिससे आपको जो हार्ड से हार्ड टॉपिक है वो भी बिल्कुल ईजी वे से हम आपको क्लियर करवा सकेंगे, ओके। बाय।